वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ, ठीक है। अब बड़े अच्छे लगते हैं, इसका मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने इजी वे में अच्छा आपको बता सकूँ, किसी भी तरह की कोई ऐसी आपको गैजेट्स या कोई भी कैपो लगाने की जरूरत नहीं, गिटार में मत लगाना। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मत लगाना, सब बेकार चीज़ होती है, कोई काम का नहीं है वो सब चीज़, ठीक है। स्टार्ट करूँ तो पहले मैं क्या करूँ, पहले क्या समझा दूँ, पहले लीड समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है आपको, गाने को इस तीन से बजाना है, स्टार्ट करना जैसे है ना बड़े अच्छी, तो आप क्या करना इस तीन से बजाओ, तो थोड़ा सा स्टाइल लगता है गाने में, ठीक है ना। इस तीन से देखो आप जो मैं बजाए हूँ जिस तरह से, उस तरह से जी मेजर से मैं बजाया हूँ, जी मेजर बात कर, जी मेजर कॉर्ड पकड़ो, पकड़े आप देखो ये नोट, ये पकड़ो भाई ना, पकड़ो भाई जी नोट, तो क्या है कि ये आप इसको पकड़ के रखना, ठीक है, आराम से जी मेजर कॉर्ड को पकड़ के रखो। अब देखो जाओ, एकदम आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ गया कॉर्ड का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखो नो प्रॉब्लम, अब देखो इस जगह में एक चीज करना, मैं कर रखा हूं इसमें, देखो ये नोट लगाना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक अलग लगेगा, ये चीज गाने में एक्चुअल में नहीं लगा हुआ है, आप लगाना पड़े। देखो हम तुम दोनों पास, मैं पहले ही बताया हूं ना कि गाने को इस हिसाब से आप बजाओ कि वो सुनने में लगे गिटार से कि वो गाना कोई गा रहा है, माने गायकी को आपको स्ट्रिंग में उतारना है, ठीक है। देखो देखो ये ऐसे लगाओ, ये जिम जब पकड़ के रखें, और थोड़ा सा अगर कर सको तो ऐसे लगाओ ये नोट को, समझ में आ रहा नोट्स, कोई दिक्कत नहीं होगा, जी बी ए बी ए जी एफ साफ डी मेजर, देखो दूर है, अब यहां स्टॉप करो, हाफ नोट बनाओ, हो गया, डी मेजर पकड़ो, देखो यहां सेकंड नंबर फिंगर, फिर वन नंबर फिंगर लगाओ, कैसे लगाएं, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहां नोट, अब इसी जगह से सी सर, सॉरी थोड़ी लाइट चली गई थी, है ना। देखो ये भी हाथ देखना, ठीक है, प्लेट्रम हमेशा अप एंड डाउन करना, एक साइड कभी नहीं बजाना है आपको, ठीक है। यहां देखो मेरा, देखो ये इसको यहां बैलेंस के लिए लगाओ, इसको उठा के मत रखो, दिक्कत होगा बैलेंस बनाने में, इसको हमेशा लिटिल फिंगर लगा के रखो जब आप लीड कर रहे हो, ये हुआ। अब देखो बड़े एक बार ये में, अब फिर भाई देखो फिंगर, देखो अगर हम चाहते ना यहां पे क्या है ये लगा सकते थे ना, लेकिन ये क्यों लगाए, इसलिए कि यहां जी मेजर आराम से पकड़ सको, इसलिए ये लगाए। यही सारी चीजें टेक्निक होती हैं, जो सीखने की चीजें होती हैं, जिसका कोई बुक नहीं होता यार, जिसका कोई बुक नहीं होता है। इसी सारी चीजें से बजाना आसान होता है और इजी वे में बजता है। देखो देखो सी मेजर, समझ में आया, ए फिर
सेकंड टाइम क्या है, इस फोर फिंगर को यहां लगाना, तब जी मेजर बनेगा। बस ये गाना है, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया है, एक बार यहां से बजाया है, एक बार देखो ये फिंगर है ना, कैसे लगा है? हाँ आगे कले ये लीड का लेसन हो गया, इसमें मैंने कॉर्ड भी बजाया। मैं आपको स्ट्रमिंग भी बता देता हूं इसका। याद रखना, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमसे सीखते हैं, जो लोग मेरे लेसन का वेट करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं ना, स्ट्रमिंग कितनी बार अप है कितनी बार डाउन है ऐसा कभी मत पूछना मेरे से, तो स्पेशली ये एकदम गलत प्रोसेस होता है। ये डाउन डाउन आप डाउन कुछ नहीं, जो लीड बजाए ना हम वही गाना बजता है, जो लीड बजाएं उसी तरह कॉर्ड बजाओ। अब देखो बजाए ना हम बड़े अच्छे, बजाए ना ये बजाए ना। अब इसका अगर स्ट्रमिंग बजाओगे तो एक मिनट साउंड कम करने दो, तो क्या होगा, देखो स्ट्रमिंग क्या होगा, देखो बड़े अच्छे है ना। अब देखो ये, हाँ देखो कॉर्ड हम गा नहीं रहे, ठीक है, देखो कॉर्ड से गाना बजेगा, टू थ्री वन टू, तो मैं आपको बता रहा था कि गाना जिस हिसाब से गाया हुआ है, स्ट्रमिंग आप उसी हिसाब से बजाना है, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंजा का स्ट्रमिंग, स्ट्रिंजा में क्या है, देखो है ना, अब इसमें देखो बजाए हैं तो उसमें क्या कि ऐसा लगाने की कोशिश करो, इतनी क्या किए आप, देखो डी मेजर, ये डी मेजर है, डी मेजर लगा, अब देखो सच मन को झूठे, ए माइनर लगते, ए मेजर है ये सारे, तारा रारा, तो क्या करो ये टाइमिंग से अगर लगा पाओगे भैया तो आप लगाना ये चीज, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। और भी कॉर्ड लग सकता है, देखो सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं करने का, जो काम इजी वे में हो जाए उसको टफ करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई उसमें कोई दरकार ही नहीं है। देखो सरल आदमी बनो, सिंपल और अच्छा बनो, ज्यादा इधर का उधर का गां गों ये वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।
चलता हूँ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और क्या बोलते हैं उसको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो कि डार्क और विद रोहित के नाम से है, और मेरे फेसबुक पेज रोहित सिन्हा के नाम से पे भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलता हूँ, टाटा बाय बाय।